पूर्ण करने हमारे शारीरिक हमारे मुख्य आयाम है शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक और आध्यात्मिक इन पात्रों में पूर्णता आप विचारों के माध्यम से पा सकते हैं। छठा छठा सूत्र है छठे सूत्र से हम बहुत बड़े बड़े दुखों से विलीन हो सकते हैं। जैसे एक इंसान के विचारों का असर आप पर तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते। तो आप अपनी पुरानी घटनाओं में झांक के देख सकते हैं जीवन में कि हमने कब हम हर्ट हुए और किस पर्सन ने हमें कुछ कहा तो उसका बॉर्डर हम अब तक लेके आ रहे हैं। किसी ने थप्पड़ मारा किसी ने हर्ट किया किसी ने गाली दी तो वो एक विचार ही था जिसको हम लेके अब तक दौड़े हैं। तो गलती उसकी है या हमारी है तो इससे आप बड़े से बड़े दुखों से विलीन हो सकते हैं। सातवां नियम है कि जो भी आप करना चाहते हैं जो भी आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूशन में लेके आना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके भाव विचार वाणी और क्रिया में एकरूपता है। योर फीलिंग्स थॉट्स वर्ड्स एक्शंस रिफ्लेक्ट हाउ यू मेंटेन योर लाइफ। एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं। सीधे सभी सीधे बैठे कितना सीधे बैठे और कमर को सीधा रखते बैठे स्पाइन सीधी कर रहे सर स्पाइन सीधी करके बैठे प्लीज। ये धन्यवाद इस बात का है ये आयाम सभी के पास है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो जैन हो सिख हो सीखने वाला हो या जैन हो ईसाई हो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो ये आयाम सभी के पास है। थॉट हैप्पी थॉट्स कृपया धीरे धीरे अपनी आँखें बंद करें। सभी की आँखें बंद हैं एक दो गहरे सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने विचारों को देखें उनको नंबर दें गिनती बीच में छूट जाए तो दोबारा शुरू कर सकते हैं।